हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं काफ़ी सही होंगे। और आज बहुत ही ज़्यादा मुझे खुशी हो रहा है क्योंकि मैं घर निकल रहा हूँ और एग्ज़ाम भी मेरा समाप्त हो चुका है। और एग्ज़ाम जैसे ही ख़त्म हुआ वैसे ही मेरे को निकलना था घर मेरे को, क्योंकि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद फिर मेरे को कॉलेज में मन नहीं लगता है। और एक्चुअली बात ऐसा हुआ कि जब मैं लास्ट पेपर दे रहा था तो उस दिन मेरे को तत्काल टिकट करना था, और जब तत्काल टिकट करवाना था तो एग्ज़ाम दे रहे थे तो नहीं हो पाया था, जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो पाया था। और अभी फ़िलहाल हम आए हुए अपना रूम, अपना पूजा वूजा करके निकल रहे हैं। और उसके बाद फिर बात करें तो आज मेरा फाइनली टिकट हो रखा है और एक दिन एक्स्ट्रा मैंने कॉलेज में रुका है, तो कल तो मन नहीं लग रहा था मेरे को, और आज मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी भी हो रही है। घर निकल रहे हैं 2 महीना के लिए, बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रहा है। और फिलहाल रूम भी खाली कर चुके हैं और मैक्सिमम बच्चे जो जितने भी मेरे दोस्त थे वो घर निकल गए हैं, तो हम भी घर निकल रहे हैं। और क्योंकि 2 महीने का छुट्टी यार कॉलेज में रह के तो क्या ही बताऊँ, घर जाने की जो खुशी होती है ना बयां नहीं कर सकते हैं, कितनी खुशी होती है घर जाने की। तो फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहे, और जिस किसी ने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, कमेंट करें और शेयर करना तो भूले नहीं, और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आज मैं ब्लॉगिंग जो बना रहा हूँ ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग बनाऊँगा, और अम्बाला यानी कि कॉलेज से लेकर सीधा अपने घर तक का ब्लॉगिंग रहेगा। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। फिलहाल आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, ये मेरे देख सकते हो हाथ, मेरे हाथ में सूजन हो रखी है क्योंकि मेरे को पीली मक्खी काट ली है, ठीक है, और पीली मक्खी काटने की वजह से मेरे हाथ में सूजन हो रखी है। तो एक दिन एक्स्ट्रा रुक गया इसके लिए यार, एक दिन एक्स्ट्रा मैंने रुक गया कॉलेज में, मक्खी ने काट लिया। अगर एक दिन नहीं रुकते इधर कॉलेज में तो नहीं काटता। चलो जो भी होता है अच्छे अच्छे के लिए होता है। फिलहाल खुशी इतनी है, इतनी खुशी है कि शाम में ट्रेन 5 बजे शाम में ट्रेन और सुबह 6 बजे अपना घर, बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है, बता नहीं सकते इतनी खुशी हो रही है ना। फिलहाल आप लोग वीडियो में बने रहे। और ये देख सकते हो रूम जो है, ये मेरा बैकग्राउंड था जहाँ मैं वीडियो बनाता था, ये बैकग्राउंड, और कुछ मैंने चिपकाया था याद ये सब करते थे, और ये टेबल और ये बेड, और ये रूम भी मैं सदा के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। और ये मेरा मिरर रह गया जो कि मैं आऊँगा तो लेकर जाऊँगा क्योंकि मुझे अब पीजी लेना है। और ये मेरी कुछ ड्रेसें रह गई है अंदर, और ट्राइपॉड, और ये अपना भगवान की मूर्तियाँ, और नीचे जो है अपना देख सकते हो कुछ कॉपी और बिस्तर कंबल ये सब मैंने रखा हुआ है। तो आऊँगा तो मैं पीजी लूँगा तो इसके कारण मेरे को रूम छोड़ना पड़ेगा। और ये मेरे रूम पार्टनर जो है वो भी निकल चुके घर क्योंकि उनका भी इंटर्नशिप है, तो वो भी ऑनलाइन इंटर्नशिप कर रहे हैं। और ये रूम देख सकते हो पूरा खाली खाली सा हो गया है, इस रूम में 2 महीना के लिए कोई नहीं आएगा, अब आएंगे तो सीधा अगस्त में ही दोनों आएंगे, मेरा रूम पार्टनर वो भी और मैं भी। तो चलते फिलहाल इधर से सीधा क्योंकि मैं 11 नंबर में रहता हूँ। तो अभी चल रहे हम 11 नंबर में क्योंकि मैं 11 नंबर में ही रह रहा हूँ बहुत दिनों से, और मेरा पैकिंग जो है पूरा 11 नंबर में ही हो रखा है। फिलहाल जिसके रूम में रह रहे वो अभी भी सो रहा होगा, और टाइमिंग अभी हो रखी है 6:30। और घर जाने की खुशी में मैं आज सुबह 5 बजे जग गया, मेरे को इधर से निकलना है 9 बजे, और आगे आप लोग देखो मज़ा आने वाला है। और मेरी पैकिंग हो चुकी है और अभी हम निकलने वाले हैं, अभी आप लोग को पैकिंग अपना दिखाते हैं। ये मेरा बैग हुआ जिसमें लैपटॉप रखा हुआ है और कुछ खाने पीने की सामान, और ये ट्रॉली जिसमें कि मेरा कपड़ा पूरा रखा हुआ है। फिलहाल अब निकलते हैं। और अभी हम पहुंचे हुए अम्बाला बस स्टैंड, अम्बाला कैंट बस स्टैंड, और अभी हम बस स्टैंड से बाहर निकलकर जा रहे हैं, टैक्सी लेंगे और टैक्सी लेकर फिर निकलेंगे अपना दिल्ली। तो अभी फिलहाल बाहर चलते हैं, और मेरे को कुछ भूख भी लगा है तो कुछ खाने के लिए भी ले लेते हैं।
और अभी टैक्सी मिल गई है, अभी टैक्सी में अंदर वेट कर दिखाते हैं। और ट्रॉली मेरी ऊपर रखी हुई है, अभी आप लोग को कैमरा पैक करके दिखाते हैं। और ये है टैक्सी और मेरे ऊपर ट्रॉली भी रखी हुई है। फिलहाल अभी अंदर का सीन दिखाते हैं, अभी न्यू टैक्सी लग रही है। और ये मैंने कुछ खाने के लिए सामान ले रखा है क्योंकि भूख लग गया था इसलिए। फाइनली दोस्त, और अब हम पहुंच चुके हैं अपने ट्रेन में, और अगर एक दो मिनट और लेट होता तो ट्रेन छूट जाती और इधर ही रह जाते। तो और भाई होते वो मेरे को आराम से पहुंचा दिया जल्दी जल्दी दौड़ते हुए, थोड़ी सी गलती और ट्रेन मिस कर जाते, घर भी नहीं पहुंच पाते। कल जो घर पहुंच पाते मेरे चेहरे से आप लोग पता चल रहा होगा कितने दौड़ते हुए आए, बहुत ज़्यादा इस गर्मी में दौड़ते हुए आए, हालत खराब हो गया दौड़ते दौड़ते। और अभी हम अपने सीट पे बैठ चुके हैं और भूख बहुत तेज़ी से लगा हुआ है। और ये देखो फिलहाल के लिए अभी आड़ू और आड़ू के साथ एक तो लीची, अभी ये दोनों खाकर अपना भूख जो है ख़त्म करेंगे। और इसके बाद फिर नाइट में अपना खाना आएगा, खाना ऑर्डर किया हुआ है। और इसके बाद फिर आप लोग से यही कहेंगे इनसे भी मतलब अपना ट्रेन पकड़ना टाइम से पहले पहुंचा करें, क्योंकि अगर मेरे जैसा मेरे जैसा कोई और होता तो वो ट्रेन नहीं पकड़ पाया। इतने रश होने के कारण, इतना रश था दिल्ली स्टेशन में, क्या ही बताऊँ। प्लस में जो जान मिल रही थी वो अलग ही मिल रही थी पहले। एक्चुअली मैं एक घंटा पहले आ चुका था लेकिन फिर मैं कहीं और चला गया था जिसके कारण मैं फंस गया था और मेरी ट्रेन छूट सकती है। सो गाइस, अगर मैं उसे 200 रुपया देकर अपना जल्दी जल्दी नहीं करवाते, साइड से नहीं आते, तो मेरा आज ट्रेन छूट चुका होता और फिर आज मैं इधर ही रह जाता और मेरे को फिर जाना पड़ता किसी और ट्रेन से, जो कि मुझे मज़ा नहीं आता। तो इसलिए कोई भी अगर ट्रेन पकड़ते हो अपना टाइम से पहले पकड़ा करो और एक घंटा पहले पहुंच जाओ, सॉरी एक घंटा पहले पहुंच जाओ या दो घंटा टाइमिंग से पहले पहुंच जाओ ताकि आपकी ट्रेन पकड़ी जाए। ठीक है, फिलहाल अभी हम कैमरा बैक करके दिखाते हैं टुडे एसी का माहौल कैसा है। और ये आड़ू है जो कि उत्तराखंड हिमाचल में होती है और शायद जम्मू में भी होती है। और ये लीची जो कि अभी हम खाएंगे और इसके बाद फिर कोक भी रखे हुए, ये पैक में कोक रखे हुए तो अपना कोक भी पियेंगे। ये थोड़ी सी रह गई है कोक तो अपना कोक भी पी लेंगे, अभी जस्ट लिए थे। और ये मेरी साइड अपर सीट मिली है और ये नीचे का सीन देख सकते हो, अंकल जी सोए हुए हैं आराम से मस्ती कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप ये माहौल देख सकते हो ट्रेन की, कुछ इस तरीके से रहती है ट्रेन की। ठीक है, थर्ड एसी की वो भी, और आपको बाहर भी दिखाएंगे बट उसके लिए वेट कर लो, बाहर भी आपको दिखाएंगे। एंड अभी हम बनियान पे हो रखे हैं और इसलिए बनियान पे हो रखे हैं क्योंकि मुझे गर्मी लग रहा था जिसके कारण बनियान पे हो गए। और भाई इतनी ठंड लग रही है अभी, मेरी फट पड़ी है। ठीक है, तो अभी हम जाकर टी शर्ट डालेंगे फिर से और या तो कंबल ओढ़ेंगे क्योंकि अंदर ठंड लग रही है। अभी मैं टॉयलेट करने के लिए अंदर आया, सोचा मैं वीडियो बना लेता हूँ। और मैं क्योंकि गर्मी इसलिए लग रहा था ना क्योंकि मैं रनिंग मतलब दौड़ कर आया था, रनिंग करके अपना ट्रेन पकड़ा हूँ, उसके कारण मेरे को गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा था, पसीना पसीना हो गए थे पूरा, तो जिसके कारण मेरे को गर्मी लग रहा था। उस टाइम मैंने टी शर्ट उतार दिया और अभी दो घंटा बीत चुका है ट्रेन में और मेरे को अब ठंड लग रही है, तो जाते हैं वापस टी शर्ट पहनना पड़ेगा मेरे को, नहीं तो फिर मेरे को कंबल ओढ़ना पड़ेगा। फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं बाहर का सीन। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं राजधानी की स्पीड देख सकते हैं कितनी स्पीड में जा रही है। और अभी हम गेट पे आ रखे हैं और अभी जो है मेरा डिनर आ चुका है, अभी हम
डिनर अपना खोलते और आप लोग को भी दिखाते जो राजधानी में खाना मिलते है वो कैसी है और कितने अच्छे तरीके से होते हैं वो आप लोग कमेंट में बताओ। क्या और ये देख सकते हो दही राइस रोटी दाल और ये पनीर बटर मसाला ड्राई वेज और ये चटनी दे रखा है। तो फिलहाल इसे ओपन करते हैं। ये रोटी और ये दाल राइस चावल और ये चावल और ये देख सकते हो मिक्स वेज और ये पनीर सब्जी। और ये खाना खाने के बाद फिर लास्ट में आइसक्रीम ला कर देता है। आइसक्रीम काफ़ी ज़्यादा कोल्ड है, काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ है, मेरे हाथ पूरे एकदम क्या ही बताए ठंड हो सुनना पड़ गया है इतना ठंड है, बट जमा हुआ नहीं। आइसक्रीम काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों डिनर हो चुका है और अब हम जा रहे हैं सोने के लिए। तो शोवा में अपना गया स्टेशन के पास, तब तक के लिए गुड नाइट दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस। और अभी हम आधा घंटा में पहुंचने वाले हैं गया स्टेशन, आपको दिखाते हैं अंदर का सीन जो कि कैसा व्यू आता है जब लाइट ऑफ रहती है तब। और ये लाइट ऑफ रहने पे देख सकते हो अंदर का सीन कैसा रहता है। और ये सामने सोई हुई है लड़की और ये आगे का और आप देखो। और अभी हम पहुंच चुके हैं गया स्टेशन। गया स्टेशन टूटी हुई है और वो अभी गया स्टेशन जो बन रही है जिसके कारण थोड़ी सी स्टेशन इधर उधर हो रखा, मेरे को तो समझ में नहीं आया कि मैं कौन सा स्टेशन आ रखा हूँ। और फिलहाल अभी हम निकल रहे हैं बस से क्योंकि ट्रेन जो है 5 बजे है और मेरे को जो है पहले निकलना है क्योंकि हम 4:30 बजे बस से निकल जाएंगे, अपना आराम से घर पहुँच जाएंगे 1 घंटे में। और अगर हम रुकते हैं इधर तो फिर बहुत टाइम ले मर जाती है, मेरी बहुत टाइम उड़ जाएगा, तो इसलिए अभी हम निकल रहे हैं बस से। और मेरे साथ एक दोस्त भी मिल गया, मेरा भाई मिल गया, अभी निकलेंगे दोनों साथ में बस से ही। एंड अभी हम निकल चुके हैं टोटो से, बैठ कर जा रहे हैं बस पकड़ने के लिए क्योंकि ट्रेन में तो काफ़ी ज़्यादा लेट थी, मतलब लेट था प्लस मैं कन्फर्म भी नहीं बता रहा था कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आएगी, 4 पे आएगी 5 पे आएगी या 1A पे आएगी। जो बैठा हुआ है इंक्वायरी वाले उसे खुद नहीं मालूम होता है कि कौन से नंबर प्लेटफॉर्म पे ट्रेन आकर लगेगी, तो इसलिए सोचे कि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा और इधर उधर दौड़ करना पड़ेगा। और एंड मेरे पास ट्रॉली है और एक छोटा सा बैग भी है जिसके कारण नहीं हो पाएगा हमसे, इसलिए हम निकल गए हैं बस। फिलहाल अभी हम जा रहे हैं अपने बस स्टैंड जहाँ से बस पकड़ कर निकलेंगे फिर सुबह के, यानी कि अपना घर। अब हम बस स्टैंड पहुंचने वाले ही हैं, पहुंच चुके हैं, अभी आपको जस्ट वेट करना पड़ेगा। और ये रही बस स्टैंड, देख सकते हो बस लगी हुई है। एंड अभी हम बस के ऊपर बैठकर जा रहे हैं जो कि बहुत दिनों के बाद बस के ऊपर बैठे हैं। और क्या है ना कि मैं वेट नहीं कर सकता जिसके कारण मैं निकल चुका हूँ, बस में सीट नहीं रहते हुए भी अपना निकल गया ऊपर बैठ कर। और मैं अभी ऊपर का व्यू दिखा, ये देख सकते हैं कितने सारे भाई बैठने हुए हैं और फिलहाल निकल चुके हैं। मैक्सिमम 45 मिनट में अपने घर पहुँच जाएंगे और मुझे घर जाने की बहुत ज़्यादा खुशी है, इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी जा रहा हूँ।
और अब हम पहुंच चुके हैं अपना मार्केट, और अभी मेरा भाई सामने खड़ा है, मेरे को रिसीव करने के लिए आ गया था मार्केट। और तो अब चलते हैं घर सीधा, और आज की ब्लॉगिंग हम इधर ही ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद दोस्तों।